हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई वीडियो, जिससे आपके घर की सारी झंझटें हो जाएंगी ख़त्म। ये मेरा सुई धागे का डब्बा है, जिसमें मैंने अपने रील्स रखे रहते हैं। पर क्या होता है, ये सब एक साथ खुल जाते हैं और एक दूसरे पर इस तरीके से लपेट जाते हैं, तो धागा उतना बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए मैंने एक नई ट्रिक्स यूज करी है, जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो ये डब्बा टूट भी गया था, तो मैं इसको चेंज कर रही थी, तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए। रील रखने के लिए हमें एक ट्रांसपेरेंट डब्बा चाहिए, जिसमें हम रील्स को लगाएं तो वो हमें बाहर से ही कलर दिख जाए। जो हमें कलर चाहिए है, हम उसी को निकालेंगे और लगा लेंगे। इससे हमें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हमें यूज़ करना है। इसके लिए हमें चाहिए डबल साइड टेप। इसको लगाना कैसे है, या तो आप डबल साइड टेप को खोल के और इस तरीके से कट कर ले पहले, और इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप बीच से कट कर लीजिए और उसको हम डब्बे में लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम सारी टेप को कट कर लेंगे, ताकि हमको एक बार में ही सब टेप लग जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ हमें डब्बे के अंदर किस तरीके से लगाना है। आप देख लीजिए, पहले टेप को हम इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि ये डबल साइड टेप है, तो इसको इस तरीके से लगाएंगे और इसका जो बाहर का रैपर है उसे तब निकालेंगे हम। तो सब टेप मैंने इस तरीके से चिपका दी हैं और इनके रैपर को हम सब निकाल देंगे ऊपर वाली। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें रील को किस तरीके से अटैच करना है। तो इस तरीके से हम रील को लगा देंगे, आप देख सकते हैं, और दिखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। तो इस तरीके से मैं सारी रीलों को इसमें अटैच कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने सारी रील अटैच कर दी है और दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो आप इसमें नीचे की साइड भी टेप लगा सकते हैं, और उसमें आपके पास कुछ चीज़ और है चिपकाने वाली, रखने वाली, तो आप उसमें रख सकते हैं। नहीं तो जगह तो नीचे आप देख सकते हैं बहुत जगह बची है, इसमें आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली टिप्स पसंद आई होगी, और चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक्स जो है हमारी सॉक्स को लेके है। सॉक्स और जो ये बर्तन धोने वाला स्कॉच होता है, इसको हम सॉक्स में इस तरह अटैच कर देंगे, ताकि जितने हमारे ढेर सारे बर्तन होते हैं वो चुटकियों में धुल जाएंगे। तो चलिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। सॉक्स को पहन लेंगे हाथ में, और जो हमारा बर्तन धोने वाला चूना है उसको हम इस तरीके से सॉक्स में अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो सुई की मदद से इसमें 3-4 टाँके मार दीजिए, और या फिर आप इसको मोटी मोटी सिलाई करके इस तरीके से सील दीजिए, ताकि वो बर्तन धोते समय निकले ना। तो चलिए इससे बर्तन कैसे धोएंगे मैं आपको बताती हूँ। हमको इसमें लेना है विम बार। एक बार विम बार लोगे और ढेर सारे बर्तन धो दोगे, इसमें बार बार विम बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही बार में सारे बर्तन धुल जाते हैं। इस ट्रिक को यूज करने से हमारा विम बार ज़्यादा दिन चलता है और गलता कम है। तो है ना ये कमाल की ट्रिक्स। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप्स हमारा टेलकम पाउडर को लेके है। जैसे कि आजकल गर्मियों का टाइम है और घर में चींटियाँ बहुत हो जाती है, चींटियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके लिए ये ट्रिक्स है, आप ज़रूर यूज करिएगा। तो मैंने इसमें टेलकम पाउडर डाला है पहले, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, जो हम खाने में यूज करते हैं वही हल्दी पाउडर, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये मिश्रण अच्छे से मिल जाएगा और ये तैयार हो जाएगा ये मिश्रण, तो हम इसको यूज किस तरीके से करेंगे चलिए। तो जो ये फर्श में जॉइंट वाली एरिया होती है, वहाँ पर हमें इस तरीके से डालना है इसे, और कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपके घर में चींटियाँ आना बंद हो गए हैं। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, आप ज़रूर यूज करिएगा। नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप्स जो हमारा है, प्रेशर कुकर का ढक्कन है। तो इसमें मैंने गर्म पानी करने के लिए रखा है, आप देख सकते हैं, और गैस लीक हो रही है, बाहर हवा फेंक रहा है और सीटी नहीं बन पा रही है। तो हमें करना क्या है, तो मैं आपके लिए एक जुगाड़ लेकर आई हूँ इसके लिए। तो हमें प्रेशर कुकर को खोलना है, और जो इसकी रबड़ है उसे बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद इसको हम करेंगे क्या है, जो ये रबड़ है इसमें हम लगाएंगे छोटे रबड़ बैंड, जो हम सिर में लगाते हैं।
तो इन छोटे रबड़ बैंड को इस तरीके से इसमें अटैच कर देंगे ताकि वो निकले ना। और इसको अटैच करने के बाद दूसरे रबड़ बैंड को भी इसी तरीके से अटैच कर देंगे। दोनों रबड़ को अटैच कर दिया है, अब हमने प्रेशर के ढक्कन में इस रबड़ को लगा देंगे और इसको देखेंगे चेक करके कि सीटी आ रही है कि नहीं आ रही है। अब ढक्कन को हम प्रेशर में लगा देंगे, गैस ऑन कर दिया है मैंने, तो आप देखोगे कि इसकी चारों तरफ से गैस लीक नहीं हो रही है और ये सीटी बननी स्टार्ट हो गई है। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, ये देखिए सीटी भी आ गई है इसकी। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक्स पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।